Hello and welcome everyone. This is Shilpi. We are doing the Parent Sathi lesson series, and the series name is Education for All, Special Education Insights with Mr. Prabal Yadav sir. Today the lesson topic is role of parents and caregivers in the special education process. Sir, they say parents are the best therapist for a child. So how do you think that we can involve parents and caregivers in this total special education process for a child? Yeah, thank you. I totally agree. As you said, ke parents are the best therapist for a child. But we have to keep a lot of attention to some things. See, when we talk about overall development, children with special needs, it always requires a supportive network of parents, teachers and community. तो स्पेसिफिकली जब हम पेरेंट्स की बात करें, फैमिली सपोर्ट की बात करें, तो एक हमारे फैमिली में एक ऐसा एनरिचिंग एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करने की जरूरत है जो बच्चे की लर्निंग को फैसिलिटेट करे. ठीक है, अब उससे ज्यादा है कि हम बच्चे के, मान लीजिए एक स्पेशल नीड वाला बच्चा है, तो उसके बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे, बहुत सारे स्ट्रेंथ भी होंगी. तो हमें ये ध्यान रखना है एज ए पेरेंट कि हम उसकी जो स्ट्रेंथ है उस पर ज्यादा फोकस करें, कि जो उसकी पॉजिटिव चीजें हैं उसको और लेवल पर रिइंफोर्स करके नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं, प्लस हम उसके चैलेंजेस को समझें, है ना. एक चीज है कि जब हम एज ए पेरेंट्स बच्चे के चैलेंजेस को डील करने की बात करते हैं, तो हम अपने बच्चे को अच्छे से समझें ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है ना. हर बच्चे की नीड्स डिफरेंट है. ऐसा नहीं कि छोटे से कोई सेंसरी इशूज हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड का बच्चा ओटी के लिए जा रहा है तो उस बच्चे को भी ओटी की नीड है ना. या इस बच्चे को अभी तक 4 ईयर में एजुकेशन तो स्टार्ट नहीं किया है 4 ईयर में, तो मैं अपने बच्चे की 4 ईयर में क्यों एजुकेशन स्टार्ट कर दें. तो हमें देखा देखी वाली जो पेरेंटिंग है वो नहीं करनी है. हमें बहुत जरूरी है कि हम बच्चे के जो भी करंट लेवल है उसको समझें, एंड बच्चे की करंट लेवल के अकॉर्डिंग उसकी क्या नीड्स हैं, क्या उसकी थेरापेटिक नीड्स हैं, उसकी ओवरऑल सोशल लैंग्वेज से रिलेटेड क्या नीड्स हैं, तो हम उस चीज को अंडरस्टैंड करके एक सही इंटरवेंशन प्लान अप्रोच करें. सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है एज ए पेरेंट, है ना. तो जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ बच्चा एक सही इंटरवेंशन ले रहा है, हमारा सही थेरेपीज पे जा रहा है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप एज ए पेरेंट रहता है कि जो भी लर्निंग बच्चा एक पर्टिकुलर सेंटर में जाके, पर्टिकुलर सेटिंग में जाके सीख रहा है, तो उसको जितना ज्यादा पॉसिबल हो हम जनरलाइज करने की कोशिश करें. उसमें पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि बहुत सारे जगहों पे बच्चा अच्छे से सीख रहा है, एक सेटिंग में, एक सेंटर पे जाके सीख रहा है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट्स पेरेंट्स के साथ नहीं कर पा रहा, या वो कॉन्सेप्ट और जनरलाइजेशन नहीं कर पा रहा है अपने कम्युनिटी के अंदर. तो एज ए पेरेंट जो भी कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं बच्चे के साथ उसको जनरलाइज करने की कोशिश करें, तो उसमें बहुत हेल्प करता है. अगर हमारी फैमिलीज में पीयर ग्रुप है बच्चों का, सिबलिंग्स हैं, उनको खूब सारा इन्वॉल्व करें बच्चों के साथ, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो बच्चों को हम सोशल गैदरिंग्स में लेके जाएं, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो हम बच्चे को कम्युनिटी विजिट्स करवाएं. तो ये ओवरऑल जितना ज़्यादा हम कम्युनिटी विजिट्स, जितना एक रियलिस्टिक एक्सपोजर बच्चे को देंगे, वो हेल्प करेगा बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो बच्चों का सोशल इंटरेक्शन है, चाहे लैंग्वेज है, चाहे वो अकेडमिक इंटरवेंशन है. और एज ए पेरेंट हमें एक चीज़ और बहुत जो नोटिस करके रखनी है वो ये रखनी है कि हम सारी चीज़ें गूगल से या अपने फ्रेंड सर्कल से पता करके बच्चे पे इम्प्लीमेंट ना करें. एक प्रोफेशनल सपोर्ट, मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं खुद प्रोफेशनल हूँ, मैं एक एज ए पर्सन जिसको डिसेबिलिटी की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है उसके तौर पे अगर मैं बोलूँ, तो बहुत जरूरी है कि हम कोई भी इंटरवेंशन स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस सीख करें. प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस के साथ ही हम आगे बढ़े. आप वो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन क्या डिफरेंट स्टेजेस पे उसमें क्या मॉडिफिकेशंस होने चाहिए, प्लान कैसे चेंज होना चाहिए, वो आई थिंक पेरेंट्स को एक प्रोफेशनल के साथ डिस्कस करके ही ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. तो ये है कि हम ब्रिज बना के रखें पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स मिलके, सो दैट कि ओवरऑल हमारा जो टारगेट है कि बच्चा हर स्किल में एक्सेल करे, हर स्किल्स में सीखे, वो हम अचीव कर पाए. राइट, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर